अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है हमारे करियर को लेके, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आने वाले दौर में बहुत सी जॉब्स को ख़त्म कर देगी, बहुत सी जॉब्स की एग्जिस्टेंस या उसकी नीड या उसकी वॉन्ट नहीं रहेगी। तो हमें उस टाइम से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे, अगर बड़ी तरह की एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, कि जैसे आज से बहुत साल पहले हम रेस्टोरेंट्स में जाते थे, अच्छे रेस्टोरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मेन्यूज़ होते थे, हम उसको ओपन करते थे, हम ऑर्डर प्लेस करते थे, वेटर को बुलाते थे तो कहते थे ये लेके आ जाओ। और अब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, हाई टेक रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर आपको क्या है, वो सामने बारकोड है, आप स्कैन करते हैं, मेन्यू आपके सामने आ जाता है और आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो उससे क्या हुआ कि वेटर्स की जॉब कम होना शुरू हुई, बहुत सी जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड्स हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि जब टेक्नोलॉजी आई तो सिक्योरिटी कैमराज लगे, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स लगे, उससे क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी जॉब्स हैं उनकी जो जॉब्स हैं वो कम होना शुरू हो गई, उनमें इम्पैक्ट आया। जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया तो उस टाइम पर किसान हाथों से काम करते थे और मशीन्स आईं, टेक्नोलॉजी आई, उससे क्या हुआ कि जहाँ पर 10 किसान किसी एक फसल पर काम करते थे, वो मशीन की वजह से वो 8 लोगों की जॉब ख़त्म हो गई, तो एक दो लोगों ने उस पूरी जॉब को टेक ओवर किया विद हेल्प ऑफ मशीन, वो अपनी एग्रीकल्चर को उन्होंने मैनेज करना शुरू कर दिया। तो पहले क्या था कि जब मॉडलिंग होती थी तो एक मॉडल हायर करना पड़ता था, एक फ़ोटोग्राफ़र हायर करना पड़ता था, इसी तरह एक हमें मेकअप आर्टिस्ट जो है वो हायर करना पड़ता था, हमें एक सेट बनाना पड़ता था, 2-3-4 तरह के लोग हमें रखने पड़ते थे जो उन सब चीज़ों को मैनेज करें। क्या हुआ एआई के आने के बाद, आपको बैकग्राउंड चेंज, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप तरह तरह के ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, आपको मॉडल की ज़रूरत ही नहीं, आपको एआई इस तरह की इतनी पिक्चर्स जो हैं वो आपको वो जनरेट करके दे सकते हैं, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है, आपने जिस तरह का भी उसका मेकअप करना है उस पिक्चर का आप थ्रू ग्राफिक जो है वो कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि मतलब वो सारी जॉब्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई हैं जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। अगर हम बात करें टेस्ला की, अब ये जो टेस्ला कार है ये सारी की सारी मतलब जो है ये इसमें इतनी ऑटोमेशन है कि ये बग़ैर ड्राइवर के भी चल सकती है। तो उससे क्या हुआ कि ड्राइवर की भी जो डिमांड है वो इन फ्यूचर ख़त्म हो जाएगी। तो हमें कोई ना कोई डिसीजन लेने की बड़ी ज़रूरत है अपने कैरियर को लेके, हमें अपनी जॉब से स्विच हो के हमें अपने बिज़नेस में आना चाहिए। हम अगर आज बिज़नेस में मूव ऑन हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सर्वाइवल बन जाएगा, क्योंकि आपके सामने जहाँ पर एक कंपनी में 10 अकाउंटेंट्स बैठते थे, आज एक सॉफ्टवेयर की मदद से उसी कंपनी में 1-2 अकाउंटेंट्स बैठ रहे हैं। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी लगा हुआ है, उस ईआरपी में आपके अकाउंट्स, आपके ऑडिट, आपके स्टॉक्स, वेयर हाउसिंग, आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी एचआर, जब सब चीज़ें एक सिस्टम आपको रिपोर्ट्स बना के दे रहे हैं तो आपको तरह तरह के लोगों को रखने की ज़रूरत तो नहीं है, ज़रूरत है ऑब्वियसली बट कम। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने आप को किसी भी बिज़नेस में लेकर आएँ और उसमें अपनी सर्विसेज दें, उसमें अपनी कंसल्टेंसी दें, ताकि हम लोग अपने कैरियर में सेफ़ हो सकें और अपने कैरियर में आगे हम ग्रो कर सकें। जैसे एक वक्त था, हम पहले टिकटिंग वालों के पास जाते थे तो वो टिकटिंग वाले जनाब हमें पूरी टिकट बना के देते थे, टिकट बुक करते थे सिस्टम में बैठ के। आज आप अपनी मोबाइल ऐप से जो है वो टिकट अपनी आप खुद से पूरा एंट्री करके अपनी टिकट बुक करवा लेते हैं। इसी तरह पहले आप बैंकों में जाते थे, लाइन में लगे होते थे, कैश विड्रॉ करते थे, आज क्या हुआ है मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, बैंक आप किसी को आपने पैसे फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं तो आप ऑनलाइन। क्या हो रहा है कि डे बाय डे जॉब्स कम हो रही हैं और ये जॉब्स ने कम होना ही होना है। इसमें सर्वाइवल उसी बंदे का होगा जो अपने आप को अपडेट रखेगा, टेक्नोलॉजी को सीखेगा, और टेक्नोलॉजी जब अपना जो नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करती है तो उसको भी सीखेगा। जैसे आजकल चैट जीपीटी 4 चल रहा है, अब 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। तो हम लोगों को चाहिए कि भाई हम लोग जो हैं अपने आप को लर्निंग की तरफ मूव ऑन करें, हम लोग न्यू ट्रेंड्स को सीखें और उनको सेट करें। और ये बेसिकली ये तब पॉसिबल होगा जब आप राइट टाइम में राइट डिसीजन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जॉब्स नहीं दे बजे का। हमें ये चीज़ जाननी और माननी बड़ी ज़रूरी है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, ये एक ऐसा टूल है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
जिसने जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं उनको डे बाई डे रिड्यूस करना है, और जब रिड्यूस करना है ह्यूमन एफर्ट्स को, उससे जॉब में जॉब्स ऑटोमेटिकली मार्केट में कम होंगी। तो आपका ये ट्रस्ट बनना एआई के ऊपर बहुत ही ज़रूरी है कि ये एआई जो है ना, बेसिकली क्या, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। आज से चंद साल पहले ह्यूमंस जो थे वो टेक्नोलॉजी को बनाते थे, ह्यूमन टेक्नोलॉजी को बनाते थे, डिज़ाइन करते थे, और जब टेक्नोलॉजी को बनाते थे तो उससे फर्दर वो अपनी चीज़ों को आसान करते थे या फर्दर एक्सपेंशंस करते थे। एआई के आने के बाद क्या हुआ है कि ह्यूमंस ने एआई बनाया, अब एआई जो है वो टेक्नोलॉजी को खुद से डेवलप कर रहा है, खुद से उसको इस्टेब्लिश कर रहा है, और इतनी फास्ट जो चेंजिंग्स आ रही हैं, डेवलपमेंट आ रही है, वो ह्यूमंस ने तो अपना एआई बना दिया, मगर अब एआई खुद से अपनी इंटेलिजेंस की वजह से फर्दर तरह की, मल्टीपल तरह की जो हैं वो टेक्नोलॉजीज खुद से बना रहा है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी अब इस्टेब्लिश हो रही है, ऐसी ऐसी चेंज आ रहा है, ऐसा ऐसा डेवलपमेंट आ रही है जो ह्यूमन जो हैं वो खुद से नहीं कर सकते थे, वो अब एआई खुद से वो चीज़ें बना के हम लोगों को दे रही हैं। तो बड़ा राइट टाइम है कि हम लोग अपनी जॉब से अपने आप को स्विच करें और बिज़नेस की तरफ आएं, क्योंकि अगर हम बिज़नेस की तरफ आएंगे तो हम किसी ना किसी स्पेसिफिक चीज़ पर अपनी सर्विसेज देंगे, तो उसमें हमारी जो जॉब सिक्योरिटी है बिज़नेस को लेके वो भी हमारी ऑब्वियसली ज़्यादा है, स्कोप भी इसमें ज़्यादा है, फ्यूचर भी अब यही है कि आपको अपना कोई फ्रीलांस कुछ ना कुछ करना है। और अगर आप अपने किसी बिज़नेस में, किसी भी तरह के बिज़नेस में, आप रिटेल में हैं, आप ट्रेडिंग में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप सर्विसेज में हैं, तो आप लोगों को टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से काम कर रहे हैं तो ये ऐसे ही है कि जैसे जॉब ख़त्म हो रही है ना, तो इस तरह ट्रेडिशनल मेथड्स के बिज़नेस भी ख़त्म हो रहे हैं। तो हम दोनों को, जो जॉबियंस हैं उनको भी आप अपने आप को मूव ऑन करने की ज़रूरत है, और जो बिज़नेस में उनको भी अपने आप को टेक्नोलॉजी में मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, जाते जाते बस मैं आपको ये कहूँगा कि कोई ना कोई डिसीजन लें, जॉब से अपने आप को स्विच करें बिज़नेस में, और बिज़नेस में रहते हुए टेक्नोलॉजी को सीखें, समझें, और अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाएं, क्योंकि आने वाले दौर में हर दिन एक नया दौर है, चेंज आज और है, कल और है, परसों और है, तो हर दिन हमें एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, और वो तभी कर सकेंगे जब आप फ्लेक्सिबल होंगे, जब आप चेंज को जो है वो एक्सेप्ट कर सकेंगे। तो उसके लिए राइट टाइम का और राइट एज का होना बड़ा जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपने भी देखा, थैंक यू।